गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज प्रत्युष कुमार आचार्य. वेलकम टू आर्केडिक क्लासेस एंड दिस इज लेक्चर नंबर 34. इन दैट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक. सो पूर्वर आम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते क्या विदाउट डायलेक्ट्रिक को लेकिन डायलेक्ट्रिक को आम कनसीडर कले एम कौन कर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ये दुटा पैरेलल प्लेट भितर आम इनसर्ट करवा जोद्वारा कि से कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस इनक्रीज हो डिक्रीज हो बा रिमेन्स सेम रोचे हमें कैलकुलेट करिबा देखिबा कौन हो चलो पहले. सो पहले दिस इज दी पैरेलल प्लेट. ओके हला दिस इज दी पैरेलल प्लेट जार की थिकनेस केते अछि पहले डी अछि केते थिकनेस पहले डी हला. सो दिस वन शोस पॉजिटिव प्लेट्स यू नो दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड प्रिंसिपल ऑफ parallel plate capacitor, okay, in last lecture. And this shows negative plates. Okay, and that second plate which is connected to ground. Why it is connected to ground? Already I mentioned in last class. Okay, so this is the parallel plate capacitor. ये कौन लिखा ला पे यूजिंग डायलेक्ट्रिक आम कौन कर गोटे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इनसर्ट करा पे कौन गोटे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भितर मुझे कौन कली इनसर्ट कली जार कि थिकनेस है पे टी आर थिकनेस के टी बुझल ए जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मुझे जो बड़े ए पैरेलल प्लेट भितर इनसर्ट कले ए जो पैरेलल प्लेट कौन कर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को प्रोवाइड कर इलेक्ट्रिक फील्ड पे केते पिले ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कर पैरेलल प्लेट. ओके तो जेते बेले ए जो पैरेलल प्लेट भितर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इनसर्ट कली ए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कला आ उपरे बाड़े हला पिले जोद्वारा कि पोलराइजेशन सृष्टि हला का भितर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस भितर तो तुमको मुझे ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर जितेबले आम दीटा प्लेट मध्य गोटे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इनसर्ट करवा बा इलेक्ट्रिक फील्ड भितर जब आम डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इनसर्ट करवा वेदर से पोलार मॉलिक्यूल हो कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल हो ताको धरिकी मु तार पोलराइजेशन को मु डिफाइन कर देथिली ताको प्रूफ भी कराई कौन रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी. ओके तुम्हें जब देखिन से लास्ट क्लास को देखी चल देखला पर ए जिनस को देखिबो हले तुमको बुझा पड़ो हला. तो पहले तार तो जत बेले मु डायलेक्ट्रिक को सब्सटेंस को भीतर इनसर्ट कली ए प्लेटटा कौन हो पे माइनस हो गला पे तार वन एड्स जोटा कि पॉजिटिव आड़ को अच्छी से कौन हो गला पे माइनस को शो करेला मत बुझीपार जो अपोजिट प्लेट नेगेटिव प्लेट आड़ को अच्छी अपोजिट एड्स जो नेगेटिव प्लेट आड़ को अच्छी से कौन हो पे प्लस आकार शो कर क्या आकार शो कर प्लस आकार शो कर बुझिपार पे. ओके हो ना मुझे दे दूस क्लियर पे तार तो ये जो डायलेक्ट्रिक ए इलेक्ट्रिक फील्ड संस्पर्शरे आसिकी कौन कला निजे भी गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कला से इलेक्ट्रिक फील्ड को कहले आम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहले जहाँ डायरेक्शन प्लस रु माइनस आड़ को गला हला एटा हूँ पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इपी बोली आम रिप्रेजेंट कले बुझल पे मत बुझल. ओके पे हेले मत कह जब आम डायलेक्ट्रिक को इनसर्ट कले ए इलेक्ट्रिक फील्ड संस्पर्शरे आसला तार्थ ए नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डायलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन बिटवीन द इलेक्ट टू प्लेट कैसे हम पे
तार्थ आम एरे केते अमाउंट इलेक्ट्रिक फिल्ड थिला जेते बेले आ उपरे बाढ़े हला केते अमाउंट रो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट कला ओके तार जदि डिफरेंस काट दबा ताहाले आमे पाई परबा को भितरे ए नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रेजेंट्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ओके तो आम ऑलरेडी कैलकुलेट करथले कोन पाइथले फिर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल टू केते पाइथला ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी बोली आमे पाइथले मन अच्छे ना चलो ताको धरिक आम कनसीडर करवा तो पहले आम लिखा कौन कनसीडर इज प्लेस्ड कौन लिखे पहले कनसीडर ए डाइलेक्ट्रिक जार थिकनेस के पहले ऑफ थिकनेस टी हला चलो अभी लिखिए कौन कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक प्लेस इनसाइड द द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके इंसर्ट करा सो थिकनेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कौन पे लिखे थे डी एंड थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक केते पिले इज टी ओके पिले सो एयर गैप इन बिटवीन देम केते हो पिले तो ए दिटा मधरे थिकनेस ला डी ए डाइलेक्ट्रिक रो थिकनेस ला टी हले ए भीतर जो एयर गैप रहला ए मानन भीतर थिकनेस केते सो थिकनेस लिखिया देन थिकनेस ऑफ एयर गैप present in between them them mane ki dielectric au parallel plate is kete pile kete total hala d tyre jodi ame e dielectric ra thickness ku jodi fed daba a term atom ra kete rahila d minus t clear pile kete rahila pile d minus t rahila जेते बेले ए जो पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कला जदरे कि ए जो डाइलेक्ट्रिक अपोजिटली गोटे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को देला ताहले ए जो दीटा प्लेट मधे किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि होगा पिले सो आम लिखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स while the dielectric is inserted in between them jete bele pile dielectric insert hala kaha bitare parallel plate bitare tartho से जो दीटा प्लेट मधे के अमाउंट पोटेंशियल डेवलप हमें कैलकुलेट करवा पोटेंशियल ग्रेडिएंट और द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दैट मींस ई इक्वल कौन पिले ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डीबी बाय डीआर दैट मींस ओके दैट मींस मैग्नीट्यूड फॉर्म जो उठेबा तार तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी बाय डीआर That means V by R. Okay, so this is the relation between V and E. Okay, so आपको जो दिया हमें लिखिबा E equal to V by R और लिख परिबा
वी इक्वल टू कौन पी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलला दीटा प्लेट मध्य केते बेले एडा होची कौन पिले तमरो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेते बेले की डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कराई छे दीटा भितरे। आ द्वितीय कथा ए प्लेट मध्य जो दूरता रहला दैट इज आर बोली आम कनसीडर करला तार्थ एटी आम लिखी परबा। तो ए फॉर्मेशन ने की पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट व्हाइल द डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन बिटवीन देम। सो ए जिनस को जदी आम लिख प्रेजेंट करबा सो V इक्वल कौन आसला पिले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कते डिस्टेंस बिटवीन देम व्हाइल डायलेक्ट्रिक is inserted, clear pile? तो ये जो electric field और जो कहते हैं ला distance between them while the dielectric is inserted, आपको धरी क्या हमें देखो represent करीबा। तो पिले मत को तो ये जिनसे वो धरी की dielectric को धरी की कहते electric field सृष्टि हुई पिले EP सृष्टि हुई पिले into तार thickness कहते पिले T पिले तार थे लिख परीबा। so V equal to हला इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय द डायलेक्ट्रिक विथ सर्टेन थिकनेस टी। तो आम लिख परिबा ईपी इनटू टी प्लस अ नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म कौन रहिला पिले का उधरी लिखिबा। देखो जतबेले ए पर्सन को हमें उठे नबा और रिमेनिंग टर्म रहिला केते डिस्टेंस ता डी टोटल थिला टी तहरु चली गला तार त केते रहिला डी माइनस टी। तो से भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड केते पिले ई नॉट तार त लिखि परिबा ई नॉट into d minus t hala bujhi parla pile hele hi total potential ame pai pariba jete bele ki dielectric insert karche dita plate madhyare tartho aku dhari ki potential calculate kariba aur remaining jo portion rahila taku dhari ki ame potential calculate kariba mota bujhi parcho to aku dhari ki jodi potential calculate kariya mane ame janche potential equal to electric field into thickness so electric field of the electric field developed by the dielectric into thickness of the dielectric sarla e portion ku uthela bela pare आउ जो रिमेनिंग टर्म रहला ताकु धरि कि जतबे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करबा ताकु धरि कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होछ ई नॉट इनटू रिमेनिंग जो थिकनेस रहला आकु छाड़ देला परे केते टोटल हला डी रिमेनिंग गला केते टी आ केते रहला डी माइनस टी। तो लिखा गला ई नॉट इनटू डी माइनस टी क्लियर पिले ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ओके। तो पिले आमे जानि छे कोनो आम जानी डायलेक्ट्रिक माने कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस टू दि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन ए गिवन मीडियम। सो ए मीडियम टा कि सपोज से मीडियम टा डायलेक्ट्रिक जदि हुए तार तो कौन पिले आम जानी वी नो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ओके बुझी पार्छ पिले और आम लिखि परबा epsilon r is equal to kon pile it is the ratio of electric field in free space to the electric field in given medium k that is ep pile hala that is the polarized electric field okay pile so it ame kon janle pile dekho abe mate ko tar tha in terms of ham jodi ep re likhi pariba ep equal keta asio pile e not by kete k देखो ना एक एक मु जदी डिनोमिनेटर को नेबी राइट साइड रे तो ईपी को मु कोन करबी लेफ्ट साइड रे न्यूमरेटर को नेबी तार से ईपी इक्वल कोन आसला ई नॉट बाय के दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिख दियो पिले ठीक मु इरेज कर दउ छी हला जगह ने अति इरेज कर दउ छी तो पहले मत कह तार्थ ए पर्सन को लेकिन इक्वेशन 1 जब इनसर्ट करवा देन इक्वेशन 1 बिकम्स कौन है पिले देख वी इक्वल केत रहला देख ईपी जगह केत पके पिले ई नॉट बाय के पके दियो पिले सो ई नॉट बाय के
into condyle epilepti plus E naught into D minus T. Clear पिले? A portion रा हमें formation पाई गया. Clear? चल. तो पिले देखो, ये जो plate टा रहिला, ये की प्रकार plate? हला, उड़े plain sheet टा? हला, ये भी उड़े कणा, plain sheet टा? हमें already पढ़ी चे, already भी मु last lecture रे define कर थिली, electric field intensity due to infinite plane sheet केते पिले थिले? Sigma by 2 epsilon 0. गोटे प्लेट पाई सेकंड प्लेट पाई भी केता आसी पिले सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 तार तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स केता हो पिले सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 जदी हम एलसीएम काढिबा दैट मींस डिनोमिनेटर रहला 2 एप्सिलॉन 0 ऊपर रहला कोन सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 रहला 2 2 कैंसिल जदी करिबा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स केता हो पिले सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 तो पिले चिंता करो हम लिखियो एडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कहते पिले दैट इज ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्रथम प्लेट पाई ए जदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर नेगेटिव प्लेट पाई कहते पाइबा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 तार त कहता आसला पिले 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 हला दैट मींस केता आसला सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 फिर सिग्मा माने कोन ले सिग्मा माने हला ओटे इनफिनाइट प्लेन शीट रे से जो इनफिनाइट प्लेन शीट ता एरिया को रिप्रेजेंट करूची से जो एरिया रे नंबर ऑफ चार्ज कोन करचुनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हे गछन सो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली हम कहबा सिग्मा को तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें रिप्रेजेंट करियो कोन चार्ज पर यूनिट एरिया कहा कर रिप्रेजेंट करिया पले चार्ज पर यूनिट एरिया करे हम डिफाइन कर परबा का को पिले ई को सिग्मा को ओके सो ई इक्वल केता आसला देखो एडी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 तो लिखिबा एज वी नो ओके पिले कौन जान छी सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन पिले सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया कौन पिले चार्ज पर यूनिट एरिया ओके तो क्लियर ना पिले एडा गोडे हमें इक्वेशन पाइले 3 नंबर इक्वेशन ओके तो एड भी कौन पाइले सिग्मा जदि केता असला चार्ज पर यूनिट एरिया भी देन एड कौन लिखे पिले देन इलेक्ट्रिक फील्ड केता असला देखो क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन 0 असला केता असला पिले q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन 0 आसला म एडा को इरेज कर दो छी तळ पार्ट टाकू भला देखो तो पले चिंता करो तो आमे जे तळ गुटे कैपेसिटर को बा कंडक्टर आके रिप्रेजेंट करिबा ता अर्थ आमे पूर्वरु पाइथिले कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज पर पोटेंशियल पाइथिले तो ताकू जदि हम इंप्लीमेंट करी लिखिबा ए जो इक्वेशन नियो एटा केते नंबर इक्वेशन थिला पिले एटा को 3 दे दियो एटा को 3a दे दियो हला पिले तर्थ ए जो इक्वेशन को नेकी ए जगह रे इंसर्ट करो तर्थ c इक्वल केता आसला c इक्वल टू q डिवाइडेड बाय केता आसी पिले v माने केते e नॉट बाय k इनटू t प्लस ए नॉट इनटू डी माइनस टी एति गेसला हला आकु जदि मु रिप्रेजेंट करी सिंपलीफाई करबी क्यू डिवाइडेड बाय मु जदि कॉमन काढी पिले कोन कॉमन काढीबी ए नॉट को कॉमन काढ देली तो लेखली कोन टी बाय के रख देली प्लस डी माइनस टी लिख देली क्लियर पिले हला तर तो ए नॉट माने हमें केते पाइले दिस वन हला ए नॉट माने कोन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एडा जदि ए नॉट आकर जदि दर्शैबा तर तो ई नॉट माने केते पाइले पिले क्यू ए बाय एप्सिलॉन 0 केते पाइले क्यू ए बाय एप्सिलॉन 0 तर तो इंस्टेड ऑफ ई नॉट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ की बाय क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट देन व्हाट विल हैपन देखो क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट हला क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट q
क्यू को क्यू रखिली पिले इ जगह केते पकेली क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट पकेली केते रहला टी बाय के प्लस डी माइनस टी बुझिल पिले जणा पड़छि ना एटा डिवाइड टा अछि नल कन्फ्यूजन हबो हला म आथर लिख दउछि तार्थ कोन आसला क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ओके पिले चलो तार्थ एट कोन कोन कैंसिल हला लगा क्यू को क्यू कैंसिल हेगला ता पर हम पर रिमेनर कोन रहला 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट सो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर नै जो पिले ता तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आकु सजे के लिखबी डी माइनस टी प्लस टी बाय के क्लियर सी इक्वल केता आसला ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के क्लियर यही सब रहला ओके तो कत रहला सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के हला ए फॉर्मेशन रहला क्लियर सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हाइल वी आर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट्स क्लियर पिले चलो नेक्स्ट जीवा नोट कर दियो पिले काइंडली काइंडली नोट कर दियो ओके पिले मैं इरेज कर दूस ठीक है नोट कर दलो इरेज कर दो जा तो पहले केस रिप्रेजेंट करिबा तो पहले जो डाइलेक्ट्रिक नो से जहर थिकनेस टी थिला हला तार जो थिकनेस को हमें बढ़े दबा इक्वल टू डी कर दबा चलो देखिबा कौन हो एडा उस प्लेट पैरेलल प्लेट टा ए भीतर जो डाइलेक्ट्रिक नहीं थिली आर जो थिकनेस थिला पिले नियरली इक्वल टू का से समान हेगला थिकनेस ऑफ दी टू पैरेलल प्लेट से तो जते बड़े समान हेगला पिले हला केते हेगला समान हेगला देखा होछ ना पिले एडा होछ डाइलेक्ट्रिक टा एडा होछ पैरेलल प्लेट टा एडा होछ डाइलेक्ट्रिक टा एडा होछ प्लस 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 एडा होछ ए भीतर कोन होछ माइनस होछ हला माइनस टच हला तो ए जो पैरेलल प्लेट में जो कोन डायलेक्ट को इंसर्ट करले जहर थिकनेस नियरली इक्वल टू का से समान हेगला पले थिकनेस ऑफ दी पैरेलल प्लेट से तो जत समान हेगला तार्थ डी हला डी इक्वल टू कोन हेगला पले टी हेगला देन देखियो इफ दी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन capacitance becomes केता छियो देखो आमे जान से c इक्वल फॉर्मेशन आसला पले a एप्सिलॉन 0 केता आसला d माइनस t प्लस t / k ओके पले तार्थ जदि d इक्वल टू t हुए बा t इक्वल टू d हुए तार्थ c इक्वल कोन आसला a एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय d माइनस t जगह रेडी पको t इक्वल d कर दियो प्लस डी बाय के तार्थ केत रहला डी को डी कैंसिल हेगला पले तार्थ कोन रहला ए एप्सिलॉन 0 डी बाय के दैट इंप्लाइज के इनटू ए एप्सिलॉन 0 डी हला तार्थ तो हम कोन पाइले पले दैट इंप्लाइज एडा देखो हम कोन पाइले देखो ठीक है भलसे सी इक्वल टू
capacitance of a capacitor using dielectric equal to k tens of as epsilon 0 a by d capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric paithile kete c equal to epsilon 0 a by d tar thoi dam lekhi pariba c not lekhi pariba tar thoi dam kon janle jeta bela ame ude dielectric ku dita parallel plate capacitor modhare insert karuche tahale tar capacitance kete times increase jauchi k times increase jauchi विदाउट डायलेक्ट्रिक जैसे कैपासीटा मिल जदि आम डायलेक्ट्रिक को इनसर्ट करवा तार कैपासीटा के टाइम्स इनक्रीज हो के टाइम्स इनक्रीज हो ओके पिले बुझिपार दिस इज द फॉर्मेशन सो कैपासीटा ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपासीटर यूजिंग डायलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू कैपासीटा ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपासीटर विदाउट डायलेक्ट्रिक ओके सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन सो दिस इज द फॉर्मेशन देखो पिले यूजिंग डायलेक्ट्रिक रे फॉर्मूला हला विदाउट डायलेक्ट्रिक रे एप्सिलॉन 0 ए बाय डी फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ ए टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके प्लीज नोट इट सो दिस इज द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग डायलेक्ट्रिक सो इटू हम कौन बुझले विदाउट डायलेक्ट्रिक रे जति की कैपेसिटेंस मिलबो जदि आम डायरेक्ट को इनसर्ट करवामर कैपासीटेंस बढ़ी केते टाइम्स बढ़ी पे डायलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ी के टाइम्स बढ़ी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ी क्लियर सो प्लीज नोट इट सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस थैंक यू स्टूडेंट्स